हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने दोपहर में ये व्लॉग स्टार्ट किया है। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, मतलब नहा धो ली हूँ। कल शादी है तो आज आदमी की तरह कपड़े पहन लिए, मतलब अच्छे, थोड़े से अच्छे, थोड़े से अच्छे हैं। और अब हम तैयार करेंगे यहाँ पे अच्छे से। रिया और रीशु और खुशी आएगी हमारे साथ। हम बड़ी मम्मी जा रही है सरसों भरने, मतलब सिंचाई करने जा रही है, और हम लोग जाएंगे वो करने। क्या करेंगे? सजाएंगे, सजा के आपको मिलते हैं। और अभी मेरी बुआ आ चुकी है, ये अर्चना बुआ है, इनसे मिले हैं। और ये पार्ले जी की जो एड करती थी आंटी, उनके जैसे दिखती है ना, पार्ले जी वाली। हम लोग इनको पार्ले जी का ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं। ऐसे ऐसे बचपन में ऐसे करके रहती थी, मरे हो चुकी बात ना, अभी भी ऐसे ही है। हमारा डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है और अभी थोड़ा थोड़ा शाम हो रहा है, 4-5 बज रहा होगा, पता नहीं। निधि दीदी को मेहंदी लगना स्टार्ट हो गया है तो हम चलते हैं वहाँ पे और आपको दिखाते हैं। दीदी मल्टी टैलेंटेड आंचल ने मेहंदी लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। रिया का मेहंदी अभी एक हाथ में लग गया है इतना, और हम लगा के आपको पूरा नहीं दिखाएंगे क्योंकि एक ही हाथ में लगाएंगे, मेहंदी खत्म हो गया है। और फिर हम मंगाए हैं तो कल सुबह देखते हैं किसके किसके हाथ में मेहंदी लगा रहता है। देखा वो बार बार हम जाते हैं, कह रहे हैं पकड़े इनका। हम इसमें एक मामा जी हैं, एक भांजे हैं, एक मौसी हैं, तीनों बच्चे हैं। गाड़ी आ रही है, छोटी कार थी। ये मौसी है ना, और ये है मामा, और वो है भांजे। चुड़िया देखा देखा देखा। अभी मैं कैमरामैन का ड्यूटी में हूँ, मैंने आज सुबह से व्लॉग नहीं किया। कल का व्लॉग भी अभी कंटिन्यू ही है क्योंकि बस कोई आना नहीं चाह रहा था और मेरा थोड़ा मन भी नहीं था बनाने का, तो मैंने ऐसे कर दिया। यहाँ पे सारा हो रहा है, अभी मैं सबके फोटोज लूंगी। और मैंने थोड़ा सा तैयार, पता नहीं हुई कि नहीं हुई, मेहंदी लगा लिया तो तैयारी समझो। अभी मिट्टी मेरे को किसी देगी दो क्योंकि हम इसका फोटो लिए। मिट्टी गाओ। रे सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते। चल रे, नहीं रोते बाबू। मैं
रे ये देखिए उगता हुआ सूरज हम लोग आज देखेंगे, क्योंकि रात भर सोए नहीं है। निधि दीदी का शादी देख रहे थे, कितना सुंदर लग रहा है आसमां। मुंह गंदा हो गया है और इधर नहीं, इधर में अच्छा लग रहा है, इधर में अच्छा है। दो दिन से अच्छे से व्लॉगिंग नहीं की है क्योंकि काम बहुत ज्यादा था। धुआं निकल रहा है मुंह से, ठंड भी अभी बहुत ज्यादा है। एक तरफ सूरज निकल रहा है, एक तरफ वहां पे चंदा मामा उगे हुए हैं। वाह अच्छा है। देखिए ये रात के जो फूल है कितने मस्त चमक रहे हैं। ये पर्पल कलर के हैं, मतलब वाइट दिख रहे हैं, काफी मस्त लग रहे हैं और मजा आ रहा है ऐसे चलने मलने में। अब वहां जाने का वक्त आ जाएगा, शादी हो गई आज, विदाई हो जाएगा तो हम लोग को वहां जाना पड़ेगा फिर से, तो फिर से वही दो रूम में बंद। कोई बात नहीं, जब तक है फुल एंजॉय करेंगे, व्लॉगिंग भी कर लेंगे, वहां चल के आप लोग को खाना बना के खिलाएंगे, दिखाएंगे और बहुत कुछ करेंगे। ये देखिए हम लोग चलते चलते इतना आगे आ गए। यहाँ पे मशीन चल रहा है, ये खेत भर आ रहा है, पूरा और ये मस्त सी रोशनी। हम पीछे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ये लोग मेरा वीडियो नहीं ले रहे, तो हमको खुद से लेना पड़ेगा अपना हाथ जगन्नाथ। हाँ मैंने ये हाथ में मेहंदी भी लगाई है, मस्त लग रही है, खुशी लगाई है उसने, बड़ा सुंदर से सजा दिया मेरा हाथ, कलर आ गया इसमें, अच्छा लग रहा है। एक ही हाथ में लगा है, दूसरा खाली है और पता नहीं शादी में हम फोटो लिए हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत बिजी थे। एक कैमरामैन तो हम ही रहते हैं जिसमें हम सबका फोटो लेते हैं, दूसरा कोई मेरा लेता ही नहीं। हमको सब फोन पकड़ा देता है, कैमरा पकड़ा देता है, क्योंकि हम अच्छे फोटो लेते हैं ना। मैं काम सभी अच्छे करती हूँ, बस मैं खुद अच्छी नहीं हूँ। अब ये लोग पीछे रह जाएंगे, आसमान की वादियों से बात करेंगे और हम थोड़ा और आगे आ जाएंगे। वो पीछे लाइटिंग हुई है बारात के लिए, अभी बारात है घर पे, हम लोग टहल रहे हैं क्योंकि अभी वो लोग नाश्ता वगैरह करेंगे। हाँ यहाँ पे 2 घंटे में बारात नहीं, मतलब जैसे वहां पे होता है 2-3 घंटे में बारात चली जाती है, यहाँ वैसा नहीं होता है। मतलब 2-3 घंटा नहीं, मतलब लग जाता है वहां भी काफी टाइम, पर यहाँ पूरा कितना टाइम रहता है। अब कल 6 बजे से आई है, आज 8-9 बजे के बाद विदाई का टाइमिंग है। मेकअप गंदा लग रहा है, तब वो लोग जाएंगे और न हम गंदे लग रहे हैं, पर पीछे का व्यू बहुत ही अच्छा है और मेरा ठंड से गला वो हो गया है, क्या बोलते हैं, कड़क हो गया है। चले गए थे कीचड़ है, देख शांत रहो यार हम लोग। हाँ तो मेरा गला कड़क हो गया है क्योंकि पूरी रात ठंड के ओस में बैठ के हम लोगों ने शादी देखी और हम लोगों ने जूता चुराया। झूठ बोल रही है, एकदम नॉर्मल गला है इसका। अरे मेरा गला और अच्छा, मतलब हाँ खराब होने पे अच्छा लगता है, पर सही है ना। अरे एक फोटोग्राफर झाड़ी में घुस गई है इसका, तो अभी अगर बोलेगी मेरा कट कर देना, कर रही है।
ये झाड़ियों में घुस घुस के फोटोग्राफी कर रही है भाई, इसको कितना अच्छा फोटोज देना। ये इस चीज का काफी सुंदर है वैसे। और ये है गेहूं का खेत जिसमें पानी भरा रहा है। अभी सरसों का खेत है उधर दूर दूर में है। और हम क्या बोल रहे थे, हाँ हम लोगों ने जूता चुराया, पैसे पाए हैं अभी, हम लोग पैसे वाले हो गए। हाँ पर वो पैसे 6 से 7। ये लोग को बास आ रही है क्योंकि यहाँ पे छी छी करके कुछ लोग चले गए हैं साथ। हाँ अभी हम लोग के पास पैसे है, पैसे तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 6-7 जन में, 8-9 जन में, पता नहीं कितने जन में, क्योंकि हम लोग की फैमिली बड़ी है। 6-7 जन तो फिक्स है और तब मिल देखते हैं कितना मिलता है, फिर हम अमीर हो जाएंगे। अमीर 600-700-800 ज्यादा कितना मिलेगा, 1000 रुपए से कम ही मिलेगा, तो उतने में हम लोग अमीर हो जाएंगे। और हम लोग क्या खरीदेंगे उस पैसे से, हम लोग कपड़े खरीदेंगे। खुशी तुम क्या लोगी, खुशी बोल के तो बोलो। उससे बर्थडे पार्टी देंगे अपने दोस्त को। ये हमारी पता का पार्टी पहले फीस। हाँ तो वो मैंने मेकअप किया था इन लोगों का, तो ये लोग ने डिसाइड किया 6-7 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। 7 रुपए पर पर्सन, उस हिसाब से मैंने जितना लोगों का मेकअप किया है मुझे 40-50 रुपए ही मिलेंगे। पर अगर यही 200 रुपए कर दे तो मेरा एक सस्ता मेकअप का छोटा सा सामान आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोगों का मेकअप मैंने किया और खुद का देखिए कितना खराब किया है। कोई बात नहीं, चलता है, हमको कौन देख रहा है। शादी तो निधि दीदी की थी, निधि दीदी अच्छी लग रही थी बस, और वो तो हम नहीं तैयार किए थे भाई, वो पार्लर से होके आई थी और बड़ा मस्त लग रही थी, बड़ी मस्त लग रही थी। सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं यहाँ पे, सब खत्म होने के बाद आज मतलब दूसरा दिन है। इधर का साफ हो गया। 2-3 दिन से अच्छे से व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि काम बहुत ज्यादा था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग अब अच्छे से करेंगे।